हाय एवरीवन, आज हम बहुत ही इजी तरीके से मावा बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक पैन लिया है। इसमें मैंने 2 चम्मच जितना घी ऐड किया है और आधा कप मैंने दूध यूज़ किया है, फुल फैट मिल्क है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इन दोनों मिक्सचर को एक उबाल आने देंगे। देखिए हमारा मिक्सचर में उबाला आ रहा है। एक बार उबाला आ जाए उसके बाद हम यहाँ पे 1 कप जितना मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे एवरीडे का डेयरी वाइटनर यूज़ किया है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। पर ध्यान रखिए रेशियो हमेशा, अगर आधा कप दूध ले रहे हैं तो 1 कप मिल्क पाउडर का यूज़ करिए। और इसको एकदम स्लो फ्लेम पे कंटिन्यूस चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे जल जाएगा। ये मावा बहुत ही इजीली बन जाता है, ये हार्डली 8 से 10 मिनट में रेडी हो जाता है। देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसको फ्रिक्वेंटली चलाते रहे, पर गैस का फ्लेम है वो हमेशा लो ही रखिए। देखिए 8 मिनट के बाद हमारा मावा रेडी हो चुका है, कितना अच्छा दानेदार बना है। इसको हम ठंडा कर लेंगे, इसको करीबन रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, ये और गाढ़ा हो जाएगा। आप इसको कोई भी स्वीट्स में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।